राम राम भाई, सारे बहन भाई ने ये दो बहन अपने बीच है भाई और पीएमटी क्वालिफाई है बहन। चलो कौन सा गाँव है? भिवानी है। सुई सुना है बेबे, सुई का नाम। चलो कितना के कौन सी दूसरी? हाँ जी दूसरी। तो एंट्री में कितना टाइम लगा एंट्री करने में? बहुत टाइम लग गया भैया। लाइन में कितनी देर खड़ी रही बहन? कम से कम एक डेढ़ घंटा। एक डेढ़ घंटा अभी। चलो उसके बाद है? उसके बाद वहाँ पे अंदर जाके बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, उसके बाद फिर वहीं पे बिठा दिया हम लोगों को, फिर दूसरी जगह बिठाया, देन फिर हमारी हाइट। कितनी देर लगी अंदर टोटल प्रोसेस में? चार घंटे। ओ तरीका है। हम 8:30 गए थे, 12:30 बजे आए। 8:30 से 12:30, कमाल हो गया। हाँ। फिर खाने पीने का था कुछ अंदर? कुछ नहीं था। बैग वैग किस जमा करे अभी तुमने? हम फैमिली के साथ। अच्छा फैमिली के साथ। चलो और हाइट जितनी बहन घर पे थी उतनी है? एक्यूरेट है? पिछले कम है। अच्छा पिछली बार भी थे तुम? पुराने पापी है। चलो मैं भी था। चलो इसकी बार होगा। हाँ जी लास्ट टाइम से कम आई है आपकी बार, लास्ट टाइम पे ज्यादा। फिर नू क्यों कर जवानी वाइट के टल्ला के दिए, क्या चक्कर है? हम किसके चलते चलते हैं पढ़ते पढ़ते ज्यादा बताऊं मैं बाढ़ गया प्रॉब्लम बता रहे हैं। काफी बच्चा था बात कर ली के थोड़ी बहुत कम ना पल्ला गिरे हैं। चलो तुमने बात करी थी नू कम आ रही है? नहीं हमने नहीं कहा क्योंकि हमारी हाइट ज्यादा थी मतलब क्वालिटी। अच्छा चलो अंदर का स्टाफ कैसा था? स्टाफ कैसा लगे अंदर? अब्सेंट के बारे में लगे कुछ भी? अब्सेंट के बड़े कमेंट आ रहे हैं। अब्सेंट का तो अभी कुछ आइडिया नहीं कह सकते, कोई चक्कर नहीं, नहीं, नहीं। चलो और कितने परसेंट प्रेजेंट हो रही है मेरा लगा? नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। चलो और एचएससी कैसा काम कर रही है? पता नहीं अभी कुछ कर कह नहीं सकते इनके बारे में, बाकी ठीक है। स्टाफ कोऑपरेटिव था। सीटी पे सीटी क्वालिफाई पे कुछ कहना चाहती हो? चलो कितने नंबर बनाए हैं हरियाणा पुलिस? कितने नंबर ये सीटी में? 56 पॉइंट। चलो बहुत बढ़िया, बड़ा धन्यवाद भाई, बड़ी प्यारी छोरी है दोनों बाण, काम चला बढ़िया लग गया थारे स्टार। ठीक है और फिर इंटरव्यू लेंगे थारा, लग जाओगी तो भी बच्चा भाई तैयारी करना चाहता है। गुरुकुल है भाई मेंटर 365 जो कि भाई साथ में लाइब्रेरी भी खाना पीना है। जिन बच्चा का है भाई घर शेड्यूल नहीं बन पाता उनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा भाई। मैं 3 दिन लटका है पाता सी बढ़िया उनका खाना है, 10-12 घंटे पढ़ना है, बढ़िया लाइब्रेरी भाई, कूलर वाले रूम है, एक नंबर घर जो कि भाई मेंटर 365 के संचालक है सौरभ यादव सर भाई। बहुत सारे टेस्ट क्लियर कर रखे लगभग सारे सीपीओ सीजीएल और भाई जो भी वगैरह पढ़ाई वाले, ठीक है उनने सारे क्लियर कर रखे। राम राम भाई, एक या बाण है बेबे, कौन सा गांव है अपना? मेरा गांव नौताना है भाई। हैं? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है नौताना। नौताना चलो बहुत बढ़िया। तो बेबे कद आए थे क्यों करके चल रहा कल के बाद किस टाइम आए थे? कल तुम कल आया था भाई शाम के टाइम। अच्छा फिर रुके कि थे? अभी होटल दे रखो भाई। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे सुबह आया था 6:30 बजे, एंट्री हुई थी 7 बजे तक। अच्छा और लेट तक भी तो बारिश हो गई थी ना इस वजह से। हाँ बारिश बता रही, कल भी रात ने बारिश बता रही थी। चलो एंट्री होगी थी आपकी जल्दी? एंट्री के बाद बेबे क्यों करके चल रहा था भाई? बहुत लंबी प्रोसेस है अंदर, 1-1.5 घंटों तो प्रोसेस को लग रहा है अंदर पूरी। अच्छा लड़के तो मतलब 15-15 मिनट में भी बाहर आ रहे थे, आधे घंटे में आ रहे थे बाहर? स्टार्टिंग में जैसे मेरा नंबर तो 620 हो, वहाँ पे टोकन नंबर 620 तो मेरे से पहले बहुत सारी लड़की थी, तो 620 तो वैसे मैं पीछे थी तो लेट निकली वहाँ से, तो अभी लास्ट खत्म हुई थी थोड़ा सा, जैसे 15-20 बाढ़ को रह गई होगी फर्स्ट शिफ्ट की, तो अभी हाइट पे है मेन इश्यू, तो हाइट खैच के ले रही हूँ थोड़ी सी। आपकी हाइट उधर की? हाँ मेरी हुई से कम्प्लीट, लेकिन मेरी 1.5 इंच कम करी है उन्होंने। 1.5 इंच कम हो गई। ग्राउंड नापी आपने कभी? हाँ 162 का राउंड थी। और यहाँ? यहाँ कम करी है इन्होंने, देखो 161.1 करी है। चलो अरे एक और भी आपने देखा, कोई और भी देखा था आपके साथ? हुआ बहुत सारा है लड़के तो मतलब और भी कम कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे गर्दन पे ऐसे हाथ रख के ऐसे घुमा रहे ऐसे, फिर वो छोटा ही गर्दन खींच रहे हैं। अच्छा वो लड़के भी आ रहे थे वो तो कह रहे थे मारी थोड़ी ज्यादा है ना, तो कोई एक्यूरेट ना पड़े तो कोई और मशीन होगा उसके, कोई और मिल गए ऐसे थोड़ा सा ढील दे रहे बेटा, जो बाढ़ बूढ़ है बाढ़ दे बड़ा दिया ऐसे मांग करवा दी, बीच बीच मांग टच करवा दो। ठीक है भाई चलो ठीक है, चलो जल्दी है ठीक है बेबी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बाकी सब बढ़िया है? चलो भीतर का स्टाफ क्यों किसा है? बाकी सब बढ़िया। तो सरकार तो HSC किसा काम कर रही है? सीटी क्वालिफाई पे क्या कहना तेरा? क्वालिफाई हो जाए वो सबको, सबको होगा। चलो भाई दो बहन है और अपने बीच बहन कहाँ से आप? जींद। कौन सा काम है? प्रॉपर जींद। आप जी? मैं भी जींद। प्रॉपर जींद। चलो बहुत बढ़िया, क्या कुछ प्रोसेस थी, कितने बजे एंट्री हुई, कितना टाइम लगा बेबी तुमने टोटल? एंट्री तो लेट ही हुई एंट्री तो। अच्छा जाम वगैरह लग रहा था इस चक्कर में, उन्होंने एंट्री तो करवा दी, बाकी बैठे थे वहाँ पे, फिर उन्होंने बायोमेट्रिक वगैरह करा, फिर उसके बाद हाइट वगैरह नाप के आगे। हाइट एक्यूरेट नापी? हाँ। जितनी घर थी आपकी भी एक्यूरेट? जितनी घर थी मैंने चेक नहीं करी थी। अच्छा पर मतलब आइडिया था। अच्छा चलो कैसा कर रहे स्टाफ काम है? अब्सेंट के बारे में कोई सूचना हो जो अब्सेंट रह गए बच्चे कब क्या नोटिस आ सकता है उनके लिए? ऐसे तो कोई नहीं पता, मतलब वैसे
बाद में दे सकते हैं। चलो चलो, एचएससी का काम कैसा लगता है बहन आपको? कैसा काम करिए एचएससी वाले? ठीक है, और वेल मैनेज किया जा सकता है। और सीईटी क्वालिफाई के बारे में कहना चाहो तुम? सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। होना चाहिए आप भी मैंने। चलो, कितने नंबर बन रहे सीईटी में? सीईटी में 60 है अपने में। मेरे 63 पॉइंट्स बनते हैं। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी है ये दो बन वर्दी पहन सकती है। बड़ा धन्यवाद भाई इनका बात करने के लिए।